शहर से सटे रघुनाथपुर में एक देसी शराब की दुकान खोलने को लेकर वहां के लोग आक्रोशित हैं। आज शुक्रवार को जिला अधिकारी कार्यालय के सामने यहां मौजूद हैं सैकड़ों की संख्या में। इनकी मांग क्या है जानिए। इनकी मांग है कि जहां शराब की दुकान देसी खुली है 2 दिन पहले यानी 6 तारीख को, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक शौचालय है और प्राथमिक विद्यालय है, मंदिर है, आबादी है, लोग रहते हैं, परिवार रहता है। देसी शराब की दुकान खुलने से वहाँ का वातावरण बेहतर नहीं होगा। डरे हुए हैं लोग कि यहाँ पहले गांव में कभी देसी की शराब थी पहले कि नहीं थी? नहीं थी। पहले देसी की शराब नहीं थी, लेकिन अब जो देसी की शराब खुल रही है जिससे गांव के लोग गलत रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, लोग हैं, जिनको लेकर इन्होंने आज जिला अधिकारी से अपनी गुहार लगाई है और निवेदन किया है कि देसी की शराब रघुनाथपुर से हटा दिया जाए ताकि गांव सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें। आइए बात करते हैं, क्या मामला है जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप वर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल छाता का मंडल महामंत्री हूं। और मामला है कि 6 तारीख को रात में वहां पे शीला देवी के नाम से एक देसी शराब की दुकान अलर्ट हुई है और रात में खोली गई। उसके बाद सुबह हम लोग की जानकारी हुई तो हमने सबसे पहले अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसडी रोड SHO राजकुमार सिंह को मैंने अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने संज्ञान लेते हुए उसमें से एक लोगों को थाने में ले जाकर बिठाया। उसने अपना अस्थाई लाइसेंस दिखाया कि भाई मेरे पास अस्थाई लाइसेंस है, मुझे 1 महीने के अंदर ये मानक देना है। उसमें मानक में था कि जो दुकान खुली है उसकी चौहदी, उसके बाद उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र और जो लाइसेंस है उसको 1 महीने के अंदर आप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ प्रोवाइड कराइए तो ये अस्थायी रूप से दुकानें हो जाएंगी। हमारे गांव में जहाँ पे शराब की दुकान खुली है वहीं पे सामुदायिक शौचालय है, जो कि योगी और मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं को शौच करने के लिए वहाँ पे सामुदायिक शौचालय खोला गया है। वहाँ से मात्र 20 मीटर की दूरी पे हमारा सामुदायिक शौचालय है। 30 मीटर की दूरी पे वहाँ पे अदौकी ब्रह्म बाबा का स्थान है, लोग वहाँ पे सुबह शाम पूजा करने के लिए जाते हैं। और एक खाली जगह है जहाँ पे लोग प्रतिदिन सुबह शाम लोग, औरतें, महिलाएं टहलने के लिए जाया करती हैं। वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे प्राथमिक पाठशाला, उच्च माध्यमिक विद्यालय और हमारे गांव के रघुनाथपुर ग्राम सभा की जो राजकीय सस्ते गले की दुकान है मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, वही मुख्य रास्ता है जिसके माध्यम से गाँव के सभी लोग राशन लेने के लिए उस राशन की दुकान पे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ अगर वो दारू की दुकान खुल जाती है तो लोग पी के, समझ गए उसके आगे कि ठीक है शराब की दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, इसको लेकर विरोध है। सरकार ने शराब की दुकान वहाँ दिया है किसी को, लेकिन गांव के लोगों ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया है। अब सवाल ये है कि अब शराब की दुकान वहाँ कैसे हटे। जनता यहाँ सड़क पे है, जिलाधिकारी तक मामला पहुँचा है। शराब की दुकान को हटाने के लेकर आज सारे लोग अपना घर, व्यवसाय और जो काम पर जाने वाले लोग सारा सब कुछ छोड़ के यहाँ पड़े हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते नहीं, देखते रहिए UP आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।